सारी चीजें मैंने बाय की हैं ताकि आपको समर के लिए कुछ भी परचेस करना हो तो आप कर सको। अभी ब्रांडेड आइटम्स पे ना 70-80% तक ऑफ है, बहुत अच्छी वाली सेल है यार। अर्ली एक्सेस भी अगर आपके पास हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने आज तक इससे पहले मेरे चैनल पे मिंत्रा की अनबॉक्सिंग नहीं देखी होगी तो ये मुझे जस्ट अभी रिसीव हुए हैं, कल कुछ रिसीव हुए, आज कुछ रिसीव हुए। तो ये जो सारे पार्सल है ना ये ऐसे ही हैं, मैंने ओपन नहीं किया हुआ है। मैंने सोचा चलो मिंत्रा की अनबॉक्सिंग करते हैं, कभी किया नहीं है और क्योंकि न्यू कलेक्शन है तो मज़ा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ये और इसको मैंने ओपन किया तो ये मुझे मिला है बांधनी प्रिंट में एक सरारा सेट जो कि है ब्रांड हाउस ऑफ पटौंदी से। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे मुझे सरारा सेट्स के लिए तो मैंने भी एक दो सरारा सेट्स मंगवा लिए हैं। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करो कि इस वाले ड्रेस के बारे में, बट ये ड्रेस नहीं है, एक फुल अनारकली सेट है एंड ये है ब्रांड आरके बाय रितु कुमार से और ये मैंने 2 साल से ज़्यादा हो गया परचेस किए हुए तो अभी आपको ये नहीं मिलेगा। बट इसका लिंक या फिर सिमिलर आइटम यदि उन्होंने लॉन्च किया होगा तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ ये वाला सेट देख लेते हैं। तो ये है 2 पीस का सेट हाउस ऑफ पटौंदी ब्रांड से। तो ये आप देख लो, ये जॉर्जेट मटेरियल में है एंड इस तरह से अंगरखा पैटर्न है और यहाँ से ये शॉर्ट कुर्ती है, काफ़ी प्यारा सा पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। फुल स्लीव्स है, बैक में आप देखोगे तो ये प्लेन है एंड फ्रंट में देखोगे तो इस तरह से जरी वाली लेस लगाई हुई है। तो ये हो गया कुर्ता आपका। नाउ ये बॉटम वेयर है जो कि सरारा है, फुल्ली इलास्टिक है, सेम फैब्रिक सेम कलर है और यहाँ पे इस तरह से है ये शरारा सेट। यहाँ बीच में गोल्डन कलर की पतली सी लेस लगाई हुई है एंड यहाँ अंदर में लाइनिंग भी है नीचे तक, तो ट्रांसपेरेंट नहीं लगेगी ये सेट। तो ये मैंने एक सेट मंगवाया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसको भी हम ओपन करते हैं। ओके तो इस वीडियो में आपको मोस्टली समर वाले सेट्स ही दिखेंगे। तो ये मैंने मंगवाया है, ये है ब्रांड इन वेव से और इनका बहुत ही सुंदर सा ना ये प्यारा सा रॉयल ब्लू कलर में एक सॉलिड कलर में सेट है जो बहुत ही स्मार्ट लगता है। कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप कहीं वेकेशन वगैरह में फिर कहीं घूमने जा रहे हो पहनना चाहते हो ना, इसके साथ में बहुत सारे सिल्वर ज्वेलरी स्टाइल कर लो तो ये और भी प्यारा लगेगा। तो ये आप देख सकते हो, बट ये ना बहुत बड़ा लग रहा है। मैंने इसको मंगवाया है मीडियम साइज़ में ही बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो ये थोड़ा लूज पैटर्न में है, ओवर साइज टाइप का ये है और यहाँ पे वी नेक है। सो इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ब्रीदेबल है और डार्क कलर है तो ट्रांसपेरेंट भी नहीं लग रहा है। नेक का पैटर्न आप देखोगे तो हल्का सा ना डिफरेंट टाइप का वी कट है और यहाँ पे जो स्लीव्स है वो फुल स्लीव्स है एंड ये जो है ना ये इस तरह से सी कट में है। आप देखोगे तो यहाँ साइड से दोनों साइड में कट है, तो पहन कर दिखाऊंगी तो आपको सही से पता चल जाएगा। तो ये कलर भी बहुत प्यारा है और थोड़ा स्मार्ट पैटर्न में है। ये आप इसको जिस तरह से स्टाइल करोगे उस तरह से आप इसको पहन सकते हो, सिंपल वे में भी और थोड़ा हैवी स्टाइल करके ज्वेलरी वगैरह के साथ में आप इसको और भी ज़्यादा बोहो लुक दे सकते हो। नाउ इसमें जो पैंट है ना वो आपको सेम कलर में मिलेंगे बट ये शॉर्ट पैंट है और अभी मैंने देखा हुआ है कि ब्रांड्स ना शॉर्ट पैंट लॉन्च कर रहे हैं। मे बी ये इस ईयर न्यू स्टाइल चलने वाला है शॉर्ट पैंट्स लूज कुर्तीज का। तो ये आप देखो इस तरह से शॉर्ट पैंट से, अभी कितना ज़्यादा शॉर्ट होगा मुझे नहीं पता, पहन के दिखाऊंगी, बट ये शॉर्ट पैंट स्टाइल में है एंड फुल्ली इलास्टिकेटेड है, हल्का सा फ्लेयर है इसके बॉटम में। इसका कलर तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप बताना कि आपको ये कैसा लगा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट सेट की। ओके अगेन यहाँ पे मुझे मिला है एक सरारा सेट और ये है ग्रीन कलर में। ये ना मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा था और जो आया है वो भी एक्चुअली में बहुत अच्छा है, मतलब इसका जो टॉप का पार्ट है ना उसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, इस तरह से आप देख सकते हो। जैकेट पैटर्न बना हुआ है और इसमें मिरर वाली लेस लगाई हुई है, मिरर एंड जरी वाली। ये है ब्रांड इंडो स्ट्रीट से और इसका कलर भी आप देख रहे हो बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही सुंदर लगा मुझे, मतलब ग्रीन कलर में पिंक एंड रेड कलर के फ्लावर्स बनाए हुए हैं एंड ये भी शॉर्ट कुर्ती है। स्लीव्स आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको फुल मिलेंगे, स्लीव्स में भी यहाँ पे ये लेस लगाई हुई है मिरर वाली और यहाँ इसके जो बैक है बैक इसकी प्लेन है इस तरह से।
तो वेडिंग वगैरह के फंक्शन में ना गर्मी में कुछ लाइट वेट पहनना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, लाइक मेहंदी वगैरह के फंक्शन में। और इस तरह से है इसकी शरारा पैंट, फुल्ली इलास्टिकेटेड है, यहाँ तक इसमें लाइनिंग है, नीचे यहाँ लाइनिंग नहीं है और इसका डिफरेंट टाइप का शरारा है, काफ़ी फ्लोई है। तो ये हो गया हमारा शरारा पैंट, क्वालिटी अच्छी है, जॉर्जेट मटेरियल में है एंड जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो अच्छी है, कलर भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। नाउ गाइस देखते हैं हम अपने नेक्स्ट आइटम, ये है ब्रांड यूथनिक से, इनका रिसेंटली मैंने एक कुर्ता मंगवाया था, मुझे अच्छा लगा था। ये एक समर स्पेशल प्योर कॉटन कुर्ता सेट है एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल था और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर ना लग रहा था, बिल्कुल वो पिंटरेस्ट वाला लुक आप क्रिएट करना चाहते हो तो, मतलब इसमें इतना सुंदर लेस वर्क है ना नीचे में, यहाँ स्लीव्स में, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। एंड इसका कलर देखो इतना प्यारा पेस्टल कलर है। इस तरह से है ये कुर्ता, बहुत ही लाइट से स्काई ब्लू कलर में है, इसमें बहुत लाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, स्ट्रेट कुर्ता है ये एंड यहाँ स्लीव्स देखोगे तो आपको थोड़े लूज पैटर्न में स्लीव्स मिलेंगे एंड स्लीव्स में यहाँ पे वाइट कलर की लेस लगाई हुई है और यहाँ पे बॉर्डर पे भी, एंड नीचे इसमें देखोगे ना इस तरह से वाइट कलर की लेस है ओनली फ्रंट में, बैक इसका प्लेन है। ठीक है, तो ये वाला कुर्ता ना गाइस देखने में अच्छा है, कलर भी बहुत प्यारा है, डिज़ाइन भी प्यारा है, बट इसकी जो क्वालिटी है कॉटन की बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला कॉटन कुर्ते का है। नाउ इसमें जो बॉटम है वो कॉटन में नहीं है, ये रेयॉन मटेरियल में है, फुल्ली इलास्टिक है एंड यहाँ नीचे में हल्की सी लेस लगाई हुई है और बॉटम हल्का मुझे ट्रांसपेरेंट लग रहा है, लेकिन वाइट बॉटम थोड़ा ट्रांसपेरेंट ही होता है, आप कुर्ता पहनोगे तो फिर वो दिखेगा नहीं। और इसमें जो दुपट्टा दी हुई है वो प्लेन सिफोन की दुपट्टा है एंड यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर लगाई हुई है कुर्ता से मैचिंग। ये जो सेट है ना कुर्ता के वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि क्वालिटी, कलर, डिज़ाइन सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखते हैं अपने नेक्स्ट आइटम, वाओ इतना प्यारा ग्रीन कलर है, मेहंदी ग्रीन कलर है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये न्यू लॉन्च ब्रांड्स ने किए हैं समर के लिए और इतना प्यारा प्यारा पेस्टल कलर है ना, ये है ब्रांड अनोक से एंड ये देखो आप इसका कलर कितना प्यारा ग्रीन है, कैमरे का तो मुझे पता नहीं लेकिन यह सामने से तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसके नेक में भी बहुत ही प्यारा थ्रेड वर्क किया हुआ है, लाइक फॉइल मिरर के साथ में बहुत ही प्यारा वर्क किया हुआ है वाइट कलर से पूरे टॉप के पार्ट में ओनली। एंड ये इस तरह से ए लाइन कुर्ता है, साइड में कट नहीं है, तो इस तरह से हो गया, इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस एंड इसकी भी कॉटन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अब समर्स आ गए हैं ना तो मुझे लगा अभी सबको समर वेयर ही चाहिए होगा, कोई भी पॉलिस्टर वगैरह और नेट वगैरह पहनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा नहीं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कॉटन सेट्स ही पिक किए हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कि इसका जो बॉटम है वो सेम कलर में है बट थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंट है एंड ये सेमी इलास्टिकेटेड है, फ्रंट में आपको इलास्टिक नहीं मिलेगी तो ये कंफर्टेबल होता है पहनने पे एंड इस तरह से है ये स्ट्रेट पैंट्स। तो जो दुपट्टा है ये मलमल की दुपट्टा है, बहुत ही पतली वाली जो कॉटन होती है ना वो मलमल की दुपट्टा है, सेम कलर में है, प्रिंट भी आपको दोनों का मिला जुला मिलेगा कुर्ता एंड बॉटम का, तो इस तरह से है ये दुपट्टा। तो ये वाला सेट भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम आया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया है। नाउ देखते हैं हम इस वाले पार्सल को। ओके, मैंने एक बैग मंगवाया था और ये बैग भी बहुत ही अच्छा आया है, मुझे लगा था पता नहीं यार कैसा आएगा कैसा नहीं, बट एक्चुअल में ना ये मैट नहीं है, मतलब जो होता है ना एकदम ब्लैक है तो बिल्कुल मैट आया है वैसा नहीं है, ये थोड़ा ब्राइट वाला ब्लैक कलर है और काफ़ी अच्छा आया है। ये देखो आप, ये अभी खाली है तो ये स्ट्रक्चर वाला बैग नहीं है, इसमें आपको सामान डाल के इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड इसके जो स्ट्रेप्स है ना वो एडजस्टेबल है, आप इसको जितना लंबा चाहो उतना कर सकते हो, इतना लंबा कर सकते हो और छोटा करना चाहो और शोल्डर बैग के जैसे भी यूज़ करना चाहो तो भी आराम से इस तरह से कर सकते हो।
इसके जो स्ट्रेप्स है वो काफ़ी कलरफुल है, दोनों साइड में डिफरेंट है, वन साइड में ये फ्लोरल है एंड दूसरे साइड में ये कुछ इस तरह से कुछ तो लिखा है 1987 ऐसा करके कुछ लिखा है। तो ये आप देखो यहाँ पे एक जिप है जिसपे काफ़ी अच्छा, वन जिप, टू जिप एंड थ्री जिप, इसमें टोटल थ्री जिप्स हैं गाइज। और यहाँ फ्रंट में ना यहाँ पे देखोगे ना फोर जिप है यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे एक छोटू सा सीक्रेट सा पॉकेट है, आप चेंज वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर फ्रंट में ये भी एक जिप है, अगेन इसमें भी आप छोटा मोटा कुछ चिल्लर वगैरह रख सकते हो। और फिर ये एक बड़ा कंपार्टमेंट है जिसमें अगेन यहाँ पे ना पेन वगैरह के लिए छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए हुए हैं। अंदर एक और जिप है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्पेस है। नाउ इसके बैक में भी एक जिप दी हुई है जिसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो एक बैग में 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 कंपार्टमेंट है। तो इस तरह से हो गई हमारी ये वाली बैग जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ये आपके कुर्ताज के साथ में, मतलब जिसके साथ भी लेना चाहो आप आराम से ले सकते हो, ड्रेसेस के साथ में, जीन्स के साथ में, बहुत अच्छी क्वालिटी की आई है ये। ओके गाइस, नाउ मैं अभी गई हुई थी चाय ब्रेक पे, मैंने चाय पी लिया है और अभी मैं फिर से आपको नेक्स्ट आइटम दिखाती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सेट। ओके, ये जो सेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये पता नहीं अभी सेल है, फिर भी ये MRP पे दिख रहा है 6,000 रुपीस। मैंने इसको लिया हुआ है 3,000 रुपीस में क्योंकि इसका जो कलर एंड पैटर्न है वो मुझसे रुकाने जा रहा था, मुझे था कि मुझे ये ट्राई करना है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है कॉटन की, बट गाइस ये न्यू कलेक्शन है इसलिए ये भी बहुत कॉस्टली मिल रहा है। लाइक मैंने ही इसको 3,000 रुपीस में लिया है, लेकिन अनोप ब्रांड में ना 70-80% ऑफ चलता रहता है मिंत्रा पे, बट क्योंकि ये कलेक्शन न्यू है तो अब इसमें कम ऑफ था, जब मैंने लिया था 50% में लिया हुआ था। अब विशलिस्ट कर लेना यदि आपको ये पसंद आए तो, एंड कुछ टाइम बाद में ये डिस्काउंट में आ जाएगा। ओ माई गॉड, ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसका डिज़ाइन, इसका कलर, इसका पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये लाइट सा ब्लू कलर है, उसमें पर्पल ब्लू ग्रीन फ्लावर्स एंड लीव्स का पैटर्न बनाया गया है एंड इस तरह से है ये कुर्ता, ए लाइन कुर्ता है। नाउ इसमें जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स देखो आप, स्लीव्स में ना इस तरह से पर्पल कलर की लेस लगाई हुई है, यहाँ वाइट कलर की लेस लगाई हुई है, फिर अगेन पर्पल कलर की लेस लगाई हुई है एंड इस तरह से लूज पैटर्न में है ये स्लीव्स। हो गया आपका कुर्ता, साइड साइड में भी आप देखोगे तो पर्पल कलर की लेस लगाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एग्जैक्टली जैसा दिखाया था फोटो में वैसा ही रिसीव हुआ है। नाउ इसमें जो पैंट्स हैं वो भी आपको सेम ही मिलेंगे, इस तरह से फुल्ली इलास्टिक वाले हैं एंड ये आप देख सकते हो जैसे इसमें भी लेस लगाई हुई है बॉटम में। एंड इसकी क्वालिटी गाइस कॉटन की बहुत ज़्यादा अच्छी है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम प्रीमियम वाली कॉटन है और इसमें जो पैटर्न बनाया हुआ है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम। ओके, ये है ब्रांड मोडा रेपिडो से एंड ये सॉलिड कलर में है। इसका भी जो फैब्रिक है ना वो कॉटन रेयन मिक्स टाइप का फैब्रिक है, बट बहुत ही लाइट फैब्रिक है एंड इसका भी जो कलर है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इतना प्यारा ये येलो कलर है ना, जो बहुत ही लाइट सा स्वीट सा येलो होता है ना वो वाला येलो कलर है। कॉलर पैटर्न में है, कॉलर में आप देखोगे ना यहाँ पे ये फॉइल मिरर का काम है दोनों साइड में। नाउ इसमें जो स्लीव्स हैं वो 3-4 स्लीव्स हैं, यहाँ पे इलास्टिक लगाई हुई है एंड ये इस तरह से ए लाइन कुर्ता है, साइड में यहाँ पे कट है एंड इसमें बटन्स वगैरह नहीं है, जस्ट यहाँ नीचे साइड में कट है। तो इस तरह से हो गई ये कुर्ता गाइस, इसमें ना लाइनिंग नहीं लगाई हुई है, तो इसके अंदर में आप या तो इनर वेयर पहनो तो न्यूड कलर के पहनो। सो ये काफी ज्यादा लाइट कलर है एंड इसमें इनर वेयर आपको पहनना है ना तो न्यूड कलर के ही पहनने हैं। नाउ इसमें जो बॉटम है वो स्ट्रेट पैंट्स है, स्ट्रेट प्लाजो पैंट्स कुछ इस तरह से एंड यहाँ से आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट कट में है, ये डिफरेंट स्टाइल में है। तो ये भी आप इसको सिंपली भी पहन सकते हो, ऑफिस कॉलेज के लिए परफेक्ट है एंड इसको थोड़ा स्टाइलिश लुक देने के लिए आप इसके साथ में अच्छे सिल्वर ज्वेलरी या फिर हैवी गोल्ड में भी स्टाइल कर सकती हो, क्योंकि येलो के साथ में ना गोल्ड काफ़ी अच्छे से जाएगा। येलो, येलो से मुझे याद आया, ओके तो इसके साथ में भी आप ऐसे स्टाइल कर सकते हो, सिंपली भी पहन सकते हो, ज्वेलरी भी स्टाइल कर सकते हो। नाउ मैं आपको एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गई, जो मेरा फेवरेट है वो है ये वाली ड्रेस फ्रॉम ब्रांड अम्ब्राई
और ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है गाइस, मतलब इसकी रेटिंग ना बहुत अच्छी नहीं थी, 2.7 थी, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसको 2.7 कोई रेटिंग कैसे दे सकता है, बिकॉज़ ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस, इसका कलर देखो इतना सुंदर ब्राइट येलो कलर है ना, समर में कहीं घूमने जा रहे हो तो इसको पहन के चले जाओ, इतने सुंदर लगोगे, मतलब मुझे तो पहन के इसको बहुत मज़ा आया और डेफिनेटली मैं इसको कहीं ना कहीं पहन के जाने वाली हूँ, किसी स्पेशल ट्रिप में कहीं भी घूमने जाऊँगी ना अभी मैं इसको पहनने वाली हूँ। इसका नेक का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और थोड़ा ओपन नेक है, मतलब वाइड नेक है, और इसमें शोल्डर में इलास्टिक लगाई हुई है। अब इसका ना आप चाहो तो यहाँ पे भी अपने शोल्डर को रख सकते हो स्लीव्स को, और चाहो तो ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो, जो भी स्टाइल आपको पसंद है आप कर सकते हो। इसके स्लीव्स भी बहुत प्यारे हैं, मतलब पफी स्लीव्स हैं, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे भी इलास्टिक हो गई एंड यहाँ पे भी इलास्टिक हो गई, पहना हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। नाउ गाइस इसकी जो लेंथ है ना वो भी आप देखोगे तो नी के नीचे तक है, ठीक है, यहाँ तक नहीं आता, नी के नीचे तक है, तो लेंथ परफेक्ट है। यदि किसी को शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनना है ना तो बिल्कुल ये मिडिल लेंथ की ड्रेस है। बहुत ही ब्राइट येलो कलर है, बट पहनने पे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना कि बस मेरा मन करा था यार कहीं घूमने चलते हैं, इसमें बढ़िया बढ़िया फोटोज़ क्लिक करवाते हैं, तो ये उस तरह की ड्रेस है। नाउ गाइस मैंने कुछ फुटवेयर बैग्स और भी मंगाए हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस वाले पार्सल को। ये एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाली पर्ल वाली फुटवेयर है, जो अभी समर के टाइम पे ना, जैसे कि आप नॉर्मल कुर्ता सेट्स भी पहन रहे हो, फिर ड्रेस पहन रहे हो कॉटन वाली, उनके साथ में ना इस तरह के फुटवेयर काफ़ी अच्छे लगेंगे। फ्लैट्स है, क्वालिटी अच्छी है, अच्छी कुशनिंग भी दी हुई है, एंड बैक में ना वो जो डिफरेंट टाइप का फाइबर वाला मटेरियल होता है ना, जो टूटता नहीं है और ख़राब भी नहीं होता है, वैसा कुछ है, एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये मैं पहन के आपको दिखा दूंगी। अभी पूरे ये पर्ल लगाए हुए, ये देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे पर्ल है, फिर बड़े बड़े पर्ल है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये पीस, एंड हाँ मुझे ये भी अच्छा लगा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक ज्वेलरी पीस जो कि है जैज एंड सिजल से, एंड ये ओपन कैसे होगा, ओके वाओ, ये भी जैसा दिखाया था एग्जैक्टली वैसा ही आया है। मिंत्रा में तो आप जो देखते हो वही आता है, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड ब्लू वाला जो मैंने आपको कुर्ता दिखाया है ना वी नेक वाला, उसके साथ में ये बहुत सुंदर लगेगा पहना हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ब्लू पर्पल टाइप के ब्लू कलर में इसमें मोती लगाए हुए हैं, मिरर है, एंड इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, एंड इसकी प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 500 रुपीज़ के अंदर मिला है मुझे। एंड बैक में आप देखोगे तो यहाँ वेलवेट की पट्टी लगाई हुई है, तो चुभने वाला भी बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट जो आइटम है वो है इसमें, ये तो ये इस तरह से मैंने कर लिया ओपन। हाँ मैंने ग्रीन कलर की बैग मंगवाई हुई है, वो बैग है इसमें, ये देख सकते हो आप, ये बहुत ही सुंदर सी बैग है जो कि ग्रीन में, डार्क ग्रीन में है, और वाइट एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, एंड ये यहाँ से ऐसे ओपन होगा, ये पेपर हटा दिया मैंने, एंड इस तरह से है ये बैग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये। आप इसको ऐसा हैंड बैग भी यूज़ कर सकते हो, एंड इसमें ना ये वाइट कलर की स्लिंग भी दी हुई है, तो इसे भी यूज़ कर सकते हो। अंदर में यहाँ आपको दो कंपार्टमेंट मिलेंगे, एंड यहाँ पे छोटू सा पाउच है जिसमें आप अपने कार्ड वगैरह रख सकते हो, बाकी इसमें जिप वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई है, पर हाँ ये स्टाइल के लिए काफ़ी अच्छा बैग है, और स्लिंग भी दिया हुआ है, आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऑल्डो वगैरह के बैग की जो क्वालिटी होती है ना बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी है इसकी। आई थिंक ये कोई ब्रांड स्टाइली उसी ब्रांड से है, एंड बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। सो गाइज ये थी मेरी आज